प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस को भ्रम में रख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रम में रख रहे हैं। नहीं कर रहे, आ जाओ ले जाओ पैसे एडवांस ले लो। हाँ, वो अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, इल्जाम हम पर देते हैं। ये सौदे से बोली से जा रहे हैं, ये राजनीति मैं नहीं करूंगा। तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूं कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूंगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। हमने आग नहीं लगाया है, अब वो अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, इल्जाम हम पर देते हैं, ये उनका बचाव है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। हमें मध्य प्रदेश को एक उदाहरण बनाना चाहिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति नहीं करती। ये फोन कर रहे हैं, आवश्यक है फोन कर रहे हैं, तो खुद ही कह रहे हैं 2-3 और आ रहे हैं, तो क्या बिना फोन के आ रहे हैं, बिना सौदे के आ रहे हैं? 7 महीने तो इनकी सरकार रही है। की पूरी कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। मैंने पहले कहा था कि 4 तारीख को चार्टर बुक है, कमलनाथ जी चले जाएंगे। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान है। जो कमलनाथ जी विधायकों से कहते थे चलो चलो, अब विधायक ही चल दिए। राहुल लोधी जी का जाना कमलनाथ जी का अक्षम नेतृत्व दर्शाता है। प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था, और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो चला जाए उसको कह देते हैं कि बिक गया, बिकाऊ माल है। अरे स्थिति तो स्पष्ट कर दो कमलनाथ जी के, ऐसे और कितने हैं आपके पास? नहीं, जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। ऐसे लोगों को बार बार नोटों और वोटों की बातें कर करके आप अकर्मण्य अक्षम साबित हुए, इसको क्यों छुपाना चाहते हो? जोर जोर से दूसरे की तरफ उंगली उठा देने से एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, 3 तो आपकी तरफ उठ जाती हैं। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खां हो जाएंगे। फिर